So students, now we are going to discuss a topic that is called gerund, participle and infinitive. ये तीनों नाम हो सकता है आपको याद आ रहे हो कि सुने हैं, पहले स्कूल में पढ़ा है. क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं. ये कुछ नया नहीं है, बल्कि ये वर्ब का ही एक रूप है. देखिए, वर्ब जब एक्शन करता है, कोई काम कर रहा है वर्ब, तब तो आप ठीक है, उसको वर्ब की तरह कहते हैं. उसके अलग अलग फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट से लेकर के सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब आई एन जी फॉर्म. बट वेन एवर आपका वर्ब जब काम वर्ब की तरह नहीं करके बल्कि किसी और तरह का फंक्शन करे अगर, तो उसको हम कहते हैं वर्बल. राइट, उसका नाम हम रख देते हैं वर्बल. वेन द वर्ब डज नॉट वर्क एज अ वर्ब बट इट वर्क्स एज समथिंग एल्स. अब ये समथिंग एल्स क्या है? समथिंग एल्स का मतलब है कि ये किसी और पार्ट ऑफ स्पीच की तरह काम करे वर्ब अगर. तो वर्ब काम कर सकता है डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच की तरह, जैसे नाउन की तरह भी काम कर सकता है. कभी कभी ये आपको एक एडजेक्टिव की तरह लगेगा कि काम कर रहा है. वर्ब को जब हम देखेंगे कि ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, तो इसके अलग अलग रूप, यही चारों में से कोई ना कोई फॉर्म ये काम कर रही होंगी, नाउन की तरह या एडजेक्टिव्स की तरह. ऑब्जेक्ट के बन के जैसे यूज किए जाएंगे, सब्जेक्ट के जैसे यूज किया जाएगा इसी फॉर्म को. और आप देखेंगे कि प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब के रूप में काम करेंगे. तो डिफरेंट फंक्शंस हैं ये जो ये करेंगे. जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी. अब देखिए, आपका पहला मैं ले लेता हूं कि जब वर्ब हमारा नाउन की तरह काम करता है, व्हेन इट वर्क्स लाइक ए नाउन. नाउन का काम क्या है? नाउन वर्क्स एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब एंड नाउन आल्सो वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब. ये वर्ब के सब्जेक्ट की तरह भी काम करेगा, वर्ब के ऑब्जेक्ट की भी तरह काम करेगा, किसी भी वर्ब के. राइट, और यही जो नाउन होता है ये प्रेपोजिशन के भी ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है. राइट, प्रेपोजिशन में भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे वर्ब में ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसे ही आपके प्रेपोजिशन के भी ऑब्जेक्ट होते हैं. तो अभी इसके कॉन्सेप्ट्स आपको सारे क्लियर होते जाएंगे. तो इस वर्ब को जो कि नाउन के फॉर्म में काम कर रहा है, उसको हम कहते हैं जरंड, जी ई आर यू एन डी. अब जरा कुछ एग्जाम्पल देखिए जरंड के. देखिए, सेंटेंस है स्माइलिंग इज अ ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन. अब स्माइलिंग इज अ ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन या जॉगिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. अभी दोनों सेंटेंसेस में आप देखिए, स्माइलिंग यहां पर सब्जेक्ट है सेंटेंस का. ये क्या ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन क्या है? स्माइलिंग उस ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन का नाम है स्माइलिंग. और इसी तरह से एक एक्सरसाइज का नाम है जॉगिंग, विच इज अ गुड एक्सरसाइज. लेकिन दोनों में आप देखते हैं कि ये वर्ब आई एन जी फॉर्म में है. अब इसको कंपेयर करिए वर्ब से जरा. देखिए, अब मैं वर्ब के रूप में इन्हीं वर्ड्स को यूज करूंगा, जैसे द बेबी इज स्माइलिंग. अब द बेबी इज स्माइलिंग में आप देखिए, यहां भी स्माइलिंग यूज हो रहा है, लेकिन ये एक्शन के जैसा यूज हो रहा है, इसके साथ आ रहा है इसका कॉम्बिनेशन. ये वर्ब है यहां पर. दूसरा वर्ड हमने यूज किया था इसमें, जॉगिंग इज ए गुड एक्सरसाइज. अगर हम कहें राम इज जॉगिंग इन द पार्क, अब देखिए राम क्या कर रहा है? जॉगिंग कर रहा है. ये वर्ब की तरह जॉगिंग यूज हो रहा है. तो यहां तो ये वर्ब है, लेकिन जब यहां आप जिस देखते हैं इसको सेंटेंस के बिगनिंग में एज ए सब्जेक्ट के रूप में, तो आप समझ जाते हैं कि ये यहां पर वर्ब नहीं है, बल्कि ये यहां नाउन की तरह काम कर रहा है, बिकॉज नाउन सब्जेक्ट बनता है सेंटेंस का, या ऑब्जेक्ट बनता है. ओके, एक और एग्जाम्पल देखिए, स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट सो यू शुड क्विट स्मोकिंग या गिव अप स्मोकिंग. अब यहां जो वर्ब है क्विट, छोड़ देना, उसका ऑब्जेक्ट क्या है? स्मोकिंग. तो आप देखिए यहां पर स्मोकिंग ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, और पहले एग्जाम्पल में ये स्मोकिंग सब्जेक्ट के काम कर रहा है. यानी ये दोनों जगह पर ये वर्ब नहीं है, ये जरंड की तरह काम करता है. वर्ब होगा जैसे आप कहेंगे द ओल्ड मैन इज स्मोकिंग अ सिगरेट. तो यहां तो आप एक्शन बता रहे हैं, वो क्या काम कर रहा है? स्मोकिंग वर्ब हो गया. तो आपने पहचाना कि वर्ब आई एन जी जब ये नाउन की तरह काम कर रहा हो, यानी सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट बनेगा,
या फिर सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट भी हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो हम इसको एक नाम देते हैं और इसको कहते हैं जरंट। इसको जीरंट नहीं कहेंगे, जरंट कहते हैं, GERUND। ओके, सो जरंट हो गया इंट्रोडक्शन जरंट का। अब आगे बढ़िए, देखते हैं पार्टिसिपल क्या होता है। देखिए पार्टिसिपल जो है ये एडजेक्टिव के रूप में जब नाउन काम करेंगे तो उनको पार्टिसिपल कहते हैं, राइट। यानी व्हेन द वर्बल, जो भी वर्बल है हमारा वर्ब का वो फॉर्म जो एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है तो हम उसको कहेंगे पार्टिसिपल। अब पार्टिसिपल कई तरह के हो सकते हैं, राइट। आईएनजी वाला पार्टिसिपल भी हो सकता है, यानी वर्ब आईएनजी, वीआईएनजी भी आप देखेंगे, और वर्ब थर्ड फॉर्म भी। ये दोनों के दोनों ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव के रूप में काम कर सकते हैं, यानी पार्टिसिपल की दो फॉर्म आपको दिखाई देती हैं। अब एग्जांपल्स इसके देखते हैं। देखिए पहले में सेंटेंस में लिखा था स्माइलिंग इज अ ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन, यहां ये स्माइलिंग जरंट था। अब एडजेक्टिव्स भी आप पढ़ चुके हैं इसलिए आपको पहचानना इजी है। अब देखिए मैं इसका एग्जांपल स्माइलिंग से लिखता हूं। मेरे पास एक की थी, इसपे कैप्शन लिखा हुआ था ना। कई बार आप देखें ऐसे कुछ आइटम्स पे कुछ लाइन लिखी होती है, कुछ मैसेज लिखा होता है, तो इट वॉज अ वुडन की जिसके ऊपर एक कैप्शन था। वो कैप्शन मुझे याद है, मैं इसको लिख रहा हूं, नेवर बिलीव माई स्माइलिंग गर्ल। ओके, नेवर बिलीव अ स्माइलिंग गर्ल। अब ये लिखने वाले का कुछ अपना अनुभव था, ये वहां लिखा हुआ था। एनीवे, हम लोग इस पे फोकस करते हैं कि स्माइलिंग किसके लिए यूज किया जा रहा है, गर्ल के लिए। कैसी गर्ल? गर्ल तो एक नाउन है, किस तरह की गर्ल? स्माइलिंग गर्ल। तो स्माइलिंग आपको पता चल गया कि ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये स्माइलिंग वर्ड हमें इस गर्ल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है कि कैसी गर्ल, अ नैगिंग गर्ल, फाइटिंग गर्ल, अ स्लीपिंग गर्ल और अ स्माइलिंग गर्ल। ओके, स्माइलिंग गर्ल। ओके, इसी तरह से आप सेंटेंस देखते हैं जहां लिखा है रनिंग वाटर, रनिंग वाटर सप्लाई विल बी कट डाउन बाय 2 आवर्स। ऐसा कोई नोटिस आपको म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से मिलता है जिसमें इन्फॉर्म किया गया है कि रनिंग वाटर सप्लाई विल बी कट डाउन। विच टाइप ऑफ वाटर? वाटर इज अ नाउन, नाम है, लिक्विड है। कौन सा? रनिंग वाटर। सो रनिंग आपको वाटर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब यहां भी वर्ब आई एनजी फॉर्म है, लेकिन दोनों जगह वर्ब आई एनजी फॉर्म एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है, इसका मतलब ये पार्टिसिपल है। तो ये आई एनजी फॉर्म हो गया। लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ वर्ब थर्ड फॉर्म ऑल्सो। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म भी पार्टिसिपल होती है, ये वो भी पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, सोल्ड आइटम्स विल नॉट बी रिटर्न्ड। पैसिव वॉइस में मैंने एक सेंटेंस लिखा, आप शॉप्स पे देखते हैं ऐसा लिखा होता है, सोल्ड आइटम्स विल नॉट बी रिटर्न। ओके, स्पोकन इंग्लिश इज टॉट हियर। ओके, स्पोकन इंग्लिश। सिमिलरली ब्रोकन लेग, राइट, स्टोलन गुड्स। तो आप बहुत सारे ऐसे जहां वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। अब सोल्ड सेल का थर्ड फॉर्म है, सोल्ड आइटम यानी बिका हुआ माल। देखिए ये वर्ब थर्ड फॉर्म है, बट ये आइटम्स जो है ये तो नाउन है। इस नाउन के बारे में यू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ड सोल्ड, दैट्स व्हाई इट्स एन एडजेक्टिव, राइट। और इसलिए हम इसको थर्ड फॉर्म है, इसलिए इसको कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखिए स्पोकन इंग्लिश, इंग्लिश तो नेम है एक लैंग्वेज का, नाउन है, इसलिए उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, कैसी इंग्लिश? रिटन इंग्लिश या स्पोकन इंग्लिश? स्पोकन इंग्लिश। ओके, सो दैट इज एन एडजेक्टिव, ये भी परफेक्ट पार्टिसिपल है। ब्रोकन लेग, लेग एक नाउन है जिसके बारे में ब्रोकन बता रहा है आपको, तो अब आगे से ब्रोकन की जगह बर्नड हो सकता है, BURNT, वो भी थर्ड फॉर्म है, वो भी पार्टिसिपल हो गया। तो आपने देखा वर्ब थर्ड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, और वर्ब थर्ड फॉर्म का नाम मैंने आपको बताया, इनको हम कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। और दूसरा आपने देखा कि वर्ब आईएनजी फॉर्म भी यूज करते हैं, राइट, ये जो कि प्रोग्रेसिव पार्टिसिपल जैसे हैं, यानी वर्ब आईएनजी, राइट, ये भी कॉमन पार्टिसिपल है, कंटिन्यूअस पार्टिसिपल की तरह। ओके, कभी कभी आप देखते हैं सेंटेंस लिखा होता है हैविंग सेड दैट, सेंटेंस में
Having done that, having completed my work, I went for a walk. अब ये example देखिए. Having completed my task, comma, I went for a long walk. जब ये सेंस भाव कि एक काम करने के बाद दूसरा काम किया, तो उस सेंस में हम ये यूज करते हैं स्ट्रक्चर हैविंग कंप्लीटेड. हैव के साथ थर्ड फॉर्म ही लिखा जाएगा, ये आपका पार्टिसिपल है. हैविंग कंप्लीटेड काम करने के बाद अपना आई वेंट फॉर ए लॉन्ग वॉक. एग्जाम्पल, हैविंग फिनिश्ड हिज डिनर कॉमा द ऑथर सैट डाउन फॉर राइटिंग. डिनर खत्म करने के पश्चात, अब इसको एक्सप्रेशन वो कई बार सेंटेंस में आफ्टर करके लिख दिया जाता है, आफ्टर फिनिशिंग हिज डिनर, राइट, रिमेनिंग पार्ट ऐसे हो सकता है. तो आपने ये भी पढ़ा है उसमें. तो ये पार्टिसिपल और एग्जांपल हो गए, वर्ब आईएनजी फॉर्म और वी थ्री फॉर्म दोनों पार्टिसिपल की तरह यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट आप देखिए, इसका नेक्स्ट एंट्री है इन्फिनिटिव. इन्फिनिटिव क्या है? जरंड आपको समझ में आ गया, पार्टिसिपल समझ में आ गया, इन्फिनिटिव को याद करिए. इन्फिनिटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये यूज किया जाता है, और इसको यूज करते हैं डिफरेंट टाइप से. यानी इसको आप सब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं, इसको ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं, इसको आप चाहे वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह रूप में यूज करें, चाहे प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करें, दोनों तरह से कर सकते हैं. इसको वर्ब के कॉम्प्लीमेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं. कॉम्प्लीमेंट क्या है? जैसे आप कहते हैं ही इज अ डॉक्टर, तो डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट हो गया, वो क्या करता है. ओके, सो अब एग्जाम्पल देखिए सब्जेक्ट का. एक प्रोवर्ब है जो एग्जाम्पल में मैं आपको बता रहा हूं, आप सब सुन चुके होंगे पहले से. टू एरर, एरर के लिए यूज होता है, उसका वर्ब है ये इज ह्यूमन, यानी गलती इंसान से होती है. ये टू एरर इज ह्यूमन. अब यहां इसका जो सब्जेक्ट है वो ये है इन्फिनिटिव. ओके, आई वॉन्ट टू सिंग. अब इस सेंटेंस को देखिए, यहां पर सब्जेक्ट था ये, अब यहां पर टी ओ एस आई एन जी ये ऑब्जेक्ट हो गया. ये किसका ऑब्जेक्ट है? ये वॉन्ट जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है. आई वॉन्ट टू सिंग. ओके, सो इन्फिनिटिव होते हैं टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. सो अभी आपने समझा इन्फिनिटिव्स, जरंड एंड पार्टिसिपल. अब आपके एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यू शुड अंडरस्टैंड दैट पार्ट. देखिए एग्जाम्स में कई बार जहां पर इन्फिनिटिव होना चाहिए वहां पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वहां पे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना लिख करके वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिख दी गई, तो फॉर्म को गलत कर दिया गया. या जो कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनमें आप इन्फिनिटिव बना सकते हैं, वहां इन्फिनिटिव की जगह जरंड लिखा हुआ है, वर्ब आई एन जी फॉर्म लिखा हुआ है, दैट इज इनकरेक्ट. या वाइस वर्सा, जरंड होना चाहिए इसकी जगह इन्फिनिटिव कर दिया, दैट इज इनकरेक्ट. पार्टिसिपल को सही नहीं लिखा, क्लैरिफिकेशन नहीं हो रहा है कि पार्टिसिपल क्या है, मतलब किसके लिए यूज हो रहा है. अब मैं उसका एक एग्जाम्पल दूं, यहाँ पे सेंटेंस को लिखा हुआ है लेकिन क्लियर नहीं है, तो जो पार्ट इन अनक्लियर है वो दैट्स व्हाई दैट पार्ट इज रॉन्ग ऑब्वियसली. अब सेंटेंस है, व्हाइल प्लेइंग इन द पार्क कॉमा आई स्नेक बिट हिम. अभी सेंटेंस में देखें, व्हाइल प्लेइंग इन द पार्क आई स्नेक बिट हिम. बाइट का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, वर्ब सेकेंड फॉर्म बिट, बाइट बिट बिटन, एक स्नेक उसको काट के लिया. लेकिन जब आप पार्ट को देखते हैं तो आपको क्लियर नहीं हो रहा है व्हाइल प्लेइंग कि प्लेइंग कौन कर रहा था, ऐसा लग रहा है कि स्नेक खेल रहा था या हिम जिस बच्चे को जिसको काटा वो खेल रहा था पार्क में. तो बात तो ये कहना चाहते हैं कि पार्क में वो बच्चा खेल रहा था, वो बॉय खेल रहा था, हिम खेल रहा था और उसको खेलते खेलते स्नेक ने काट लिया. तो व्हाइल प्लेइंग इन द पार्क आई स्नेक बिट हिम, ये इनकरेक्ट एक्सप्रेशन हो गया. अब सपोज इस पार्ट को अगर उन्होंने ऐसे डिवाइड करके देखा हुआ है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, तो ऑब्वियसली वो पार्ट जो इनकरेक्ट वेग है वो रॉन्ग है, वो आपका आंसर हो जाएगा. अगर ये पार्ट है तो ये पार्ट इज योर आंसर. अब इस सेंटेंस लिखा कैसे होना चाहिए, इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा? व्हाइल ही वॉज प्लेइंग इन द पार्क आई स्नेक बिट हिम. Now this is the correct version. So subject was missing there. That's why there was a confusion. Ki whether the snake was playing or the person was playing.
So this type of questions are asked in exams. We'll do the exercise soon.